हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। आज की वैकेंसी आंगनवाड़ी में भर्ती आई हुई है, आंगनवाड़ी सेविका की और आंगनवाड़ी सहायिका की, दो पदों के लिए भर्ती आई हुई है। ग्राम के अंदर यानी कि जो गांव होते हैं वहां पर यह भर्ती होने वाली है। योग्यता यहां पर 10वीं पास मांगी गई है, बहुत ही कम योग्यता है। आप कोई महिला हैं या पुरुष हैं इसमें सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन यहां पर जो केवल आवेदन महिलाएं ही कर सकती, क्योंकि सेविका और सहायिका का आवेदन है इसलिए केवल महिलाएँ ही आवेदन करेंगी, क्योंकि आंगनबाड़ी विभाग में केवल महिलाओं का ही आवेदन मांगा जाता है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ नौकरी पाने के लिए, और अच्छा यहाँ पर आपको वेतन मिलेगा, ना कोई परीक्षा देनी है, ना कोई इंटरव्यू देना है, और यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई फीस भी नहीं देनी है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, कहाँ पर भर्ती आई है, किस प्रकार से आवेदन करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। कब से आवेदन शुरू हुए सब चीज़ें बताऊँगा, वीडियो पर बने रहें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि यहां पर हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। यह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है चैनल की, यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे आज की आई हुई वैकेंसी। जो वैकेंसी है वो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका ऑनलाइन फॉर्म 2019 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो हम यहाँ पर रीड पोस्ट कर लेते हैं और रीड पोस्ट करते हैं और इस पूरा पेज को ओपन हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं साथियों कि ये जो वैकेंसी है ये आ रही है बिहार राज्य से, ICDS बिहार रिक्रूटमेंट्स आ रही है, ठीक है। 395 पदों के लिए भर्ती आई हुई है, 395 पदों के लिए। जो ये जारी किया गया है वो जारी किया गया है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि ICDS के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका दो पदों के लिए आवेदन आए हैं। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आवेदन आपके 27 मई से शुरू हो चुके हैं, यानी कि आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तारीख 10 जून रखी गई है। 10 जून से पहले आपको यहाँ पर आवेदन कंप्लीट करने हैं। 10 जून तक आवेदन कंप्लीट होने के बाद साथियों जो वैकेंसी है ये मेरिट लेवल पर पूरी होगी, तो 12 जून को आपको उसी वेबसाइट पर एक मेरिट अपलोड कर दी जाएगी, उस मेरिट के अनुसार सिलेक्शन लिस्ट वहां पर आपको मिल जाएगी। यानी कि कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल आवेदन कर देना है और मेरिट लिस्ट 12 जून को अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पर। वहां से आप देख लीजिएगा कि अगर आपका नाम आ गया है तो आपकी नौकरी पक्की। डिटेल से पहले पूरी समझ लीजिए तभी आवेदन करिए, गलती अगर कोई हो गई तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। उम्र सीमा, अगर आप 18 से 40 वर्ष हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, 18 से 40 वर्ष हैं तो आवेदन कर पाएंगे। केवल और केवल आपको हाई स्कूल पास मांगा गया है किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड से, ठीक। पोस्ट का नाम है यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका, दो पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। जैसे वैकेंसी क्या है, वैकेंसी काफ़ी है इसमें, जो टोटल वैकेंसी है 395, जिसमें से कलेक्ट्रेट किशनगंज में 279 पद हैं और ICDS कैंप में कैमूर में यहाँ पर 271 पद हैं, दो जगह पर वैकेंसी है ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गांव है गांव वाइज वैकेंसी डिवाइड कर दी गई है, ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हैं। आप इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आपके गांव वाइज सेविका और सहायिका के आप यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स देख पाएंगे, ठीक है, पूरा टोटल्स यहाँ पर देख पाएंगे। अब जो आपको छूट मिलती है आयुष बीमा में, वो नियमानुसार SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PW कैंडिडेट है PWD के तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका केवल छोटा सा एक जानकारी के लिए इंटरव्यू होता है, नाम पता ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, केवल उसी से सिलेक्शन होना है। जॉब की लोकेशन की अगर बात की जाए तो बिहार में ये जॉब है। अब साथियों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से आइएगा, यहाँ अप्लाई हियर पर आप क्लिक करिएगा, ठीक है, अप्लाई हियर पर क्लिक कर सकते हैं। दो जगह से वैकेंसी है इसलिए पहला नोटिफिकेशन है ये, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पहला नोटिफिकेशन, ये दूसरा नोटिफिकेशन, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आवेदन करने के लिए आप इस पर क्लिक करिएगा
और आप इनकी आवेदन पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको नया पंजीकरण आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये नए पंजीकरण पर आपको क्लिक करना है और पंजीकरण करने के बाद फिर दोबारा से आपको लॉगिन करना है और अपना पूरा फॉर्म सबमिट कर लेना है। ठीक, ये चीज़ें आप समझ गए। नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक करेगा तो यहाँ से आप इस तरह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ से आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसका एडवर्टाइजमेंट हर चीज़ें यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी गई है, लेकिन अगर आपको मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।